हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू हैड अ प्रॉफिटेबल डे। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कल जो मैंने आपको ट्रेड दी थी। कल जो मैंने आपको पहली ट्रेड दी थी वो थी निफ्टी की, एक सेल की ट्रेड थी। इसका सेल मैंने आपको दिया था 17,522 पे। इसने आज लिटरली आउट परफॉर्म किया। इसका आज का लो है 17,363 और इसने अपना टेक प्रॉफिट भी अचीव कर लिया। स्टॉक्स में जो मैंने आपको पहली ट्रेड दी थी वो थी वोल्ट टाइम। इसका बाय मैंने आपको दिया था 1427 पे। इसने भी आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसका आज का हाई है 1452। इसके अलावा मैंने आपको न्यूक्लियस और M&M की ट्रेड दी थी। इसके अंदर आज बाइंग प्राइस आई नहीं, तो इसके अंदर हम एंट्री कर नहीं पाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कल के लिए कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वर्लपूल का 15 मिनट चार्ट है। कल इसके अंदर जो हम ट्रेड करेंगे वो एक ब्रेकआउट ट्रेड है। तो इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 2298 पे, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 2353 पे। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। प्राइस ने काफ़ी बार कोशिश करी इसको ब्रेक करने की। एक बार यहाँ पे कोशिश करी, दूसरी बार यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, यहाँ पे फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, यहाँ पे सिक्स टाइम, सेवन टाइम यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 7-8 बार प्राइस ने कोशिश करी है स्टैंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की। फाइनली आज यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का रीटेस्ट भी होगा। प्राइस अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया और इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के नीचे रुक गया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इसको हम तब बाय करेंगे जब ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आ जाए। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो सीधा ब्रेकआउट पर बाय कर सकते हैं। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं ब्रेकआउट का रीटेस्ट की वेट करें। रीटेस्ट आपको 2298 का चाहिए होगा। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा तब आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अंदर जो बाइंग प्राइस होगा होगा 2306 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा होगा 2348 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे, इन स्विंग लोस के नीचे, जो होगा 2272। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी ट्रेड आई। देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स, ये क्वेस का 15 मिनट चार्ट है। इसके अंदर जो हम ट्रेड करेंगे एक ब्रेकआउट ट्रेड है। तो इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है 947, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है 986। तो आप देख सकते हैं पीछे से एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चला रहा था। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लो है, ये हायर लो है। लोज आर प्रोड्यूसिंग अपवर्ड्स, एक बुलिशनेस का साइन है। क्लोजिंग के टाइम पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी आ गया, विच मीन्स इसमें डिमांड है, इसमें काफ़ी बाइंग आई है। तो इसको हम तब बाय करेंगे जब ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आ जाए। जो रिस्की ट्रेडर्स हैं सीधा ब्रेकआउट पर बाय कर सकते हैं। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं ब्रेकआउट पर रीटेस्ट की वेट करें। रीटेस्ट आपको 947 का चाहिए होगा। रीटेस्ट आप 5 मिनट चार्ट में भी देख सकते हैं। उसके बाद जब प्राइस ऊपर जाना शुरू हो तब आप इसको बाय कर सकते हैं। इसके अंदर जो बाइंग प्राइस होगा होगा 956 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा होगा 983 और 985 के बीच में अराउंड यहाँ पे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे, इन स्विंग लोस के नीचे, जो होगा 912। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है। ये देखते हैं कल के लिए हमारी नेक्स्ट ट्रेड कौन सी है। फ्रेंड्स, ये 3M इंडिया का 1 आवर चार्ट है, जिसमें इसकी सपोर्ट है 25,100 और उसकी रेजिस्टेंस है 25,844। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आई, एक पुल बैक आया, फिर आप देख सकते हैं दोबारा ऊपर की तरफ एक रैली आई, फिर इसमें एक पुल बैक आया। इसको हम थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं फिबोनाची लगा के। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं तो हम देख सकते हैं जब प्रीवियसली यहाँ पे हमने फिबोनाची लगाई तो प्राइस बिल्कुल 50% रिट्रेसमेंट पे आकर रुका और यहाँ से फिर प्राइस वापस ऊपर चला गया। इस फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं और करंट प्राइस पे फिबोनाची लगाते हैं। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं फिबोनाची तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस 50% रिट्रेसमेंट को क्रॉस कर चुका है। उसका 61.8 रिट्रेसमेंट पर रुक गया और यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, जो ज़्यादातर करेक्शंस होती हैं वो 50% रिट्रेसमेंट या 61.8 रिट्रेसमेंट पर रुक जाती है। जनरली प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्राइस 61.8 रिट्रेसमेंट पर रुक गया और यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गया। मैं फिबोनाची हटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट का प्राइस अभी इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको हम तब बाय करेंगे जब प्राइस कंसोलिडेशन से ऊपर आ जाएगा। इसके अंदर जो बाइंग प्राइस होगा वो होगा 25,212 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो टेक प्रॉफिट होगा होगा 25,718 अराउंड यहाँ पे। इसमें जो स्टॉप लॉस होगा होगा सपोर्ट के नीचे, इन स्विंग लोस के नीचे, जो होगा 24,512। तो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और कल ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम अगर इंट्राडे में कोई ट्रेड आती है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो उसको मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप कोई भी ट्रेड मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।